हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने वीर सावरकर और टीपू सुल्तान की तुलना की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, टीपू सुल्तान का सावरकर से कोई मुकाबला नहीं हो सकता, कहां जमीन और कहां आसमान, इस तरह की बात कही है। हम आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से। टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू अंग्रेजों के खिलाफ था, टीपू हर उस मजहब के मानने वाले के खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल करना चाहते थे। मगर टीपू गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता था, टीपू इस मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। टीपू अजीम मुजाहिदीन आजादी है इस भारत का, इसीलिए संविधान बनाने वालों ने टीपू की फोटो भारत के संविधान की पहली किताब में झांसी की रानी के साथ शाई की। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।